नमस्कार दोस्तों, सरकारी करियर्स के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फंक्शंस के कितने टाइप होते हैं और उनके बारे में हमने डिटेल में देखा था। आज के इस वीडियो में हम उनसे रिलेटेड बेसिक एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स देन शो दैट एफ ऑफ थ्री एक्स इज इक्वल टू थ्री इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस फोर इंटू एफ क्यूब ऑफ एक्स। यह क्वेश्चन बोर्ड में 2009 में पूछा गया था। यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है एफ ऑफ थ्री एक्स। तो इसके लिए हमें यहाँ पर रिप्लेस करना होगा एक्स को थ्री एक्स से, एफ ऑफ थ्री एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। जब हम वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं तो हमें फंक्शन मिलता है एफ ऑफ थ्री एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ थ्री एक्स। और हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करना है साइन ऑफ थ्री एक्स का। ये फॉर्मूला है साइन ऑफ थ्री एक्स इजल टू थ्री इंटू साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब ऑफ एक्स। यह फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है और जब हम यह फॉर्मूला यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें मिलता है राइट हैंड साइड में थ्री इंटू साइन एक्स माइनस फोर इंटू साइन क्यूब ऑफ एक्स। अभी यहाँ पर साइन क्यूब ऑफ एक्स है, हम इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स और उसका होल क्यूब होगा साइन एक्स का। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू साइन एक्स है। तभी हम यह एफ ऑफ एक्स इजल टू साइन एक्स वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा थ्री इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस फोर इंटू एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब। जब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड में मिल जाएगा थ्री इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस फोर इंटू एफ क्यूब ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हमारा यह क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एक्स देन फाइंड एफ ऑफ एफ एक्स। यह क्वेश्चन बोर्ड में 2009 में पूछा गया था। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एक्स। अभी आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। आपको यहाँ पर रिप्लेस करना होगा एक्स को एफ ऑफ एक्स से, तभी आपको एफ ऑफ एफ एक्स मिल जाएगा। जब भी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, तब आपको मिलता है एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एफ एक्स। अभी आपको यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है वन अपॉन वन माइनस एक्स। जब भी आप यह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको राइट हैंड साइड में मिलता है वन अपॉन वन माइनस ब्रैकेट में वन अपॉन वन माइनस एक्स। और जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलता है वन माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स माइनस वन। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलता है 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स। और यह माइनस एक्स को कॉमन ले करके कैंसिल करेंगे तो आपको फाइनल मिलता है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। अब यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं है, तो यानी कि आपका यह फाइनल आंसर है एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू आती है यहाँ पर आंसर आपका एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। तीसरा क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a पावर x प्लस a पावर ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू इज इवन और ऑड। यह बोर्ड में 2011 और समर में 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन। जैसा कि हमने पढ़ा था यह टाइप ऑफ फंक्शन में उससे रिलेटेड यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन में दिया गया है आपका फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू a पावर x प्लस a पावर ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू। जैसा कि आपने डेफिनेशन पढ़ा है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का, आपको सिंपली एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करनी है माइनस एक्स से और फिर आपको कंडीशन टेस्ट करना है। जैसे आपका कंडीशन टेस्ट हो जाता है तब आप बता सकते हैं कि फंक्शन इवन है या ऑड है। अभी हम दिए गए फंक्शन में एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से। जब भी हम रिप्लेस करते हैं तो हमें मिलता है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ए पावर माइनस एक्स प्लस ए पावर ऑफ माइनस ब्रैकेट में माइनस एक्स अपॉन टू। अभी आपको पता है यहाँ पर कि यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे हम ए पावर माइनस माइनस एक्स का, तब हमें यहाँ पर यह माइनस माइनस प्लस हो जाता है और हमें मिलता है यहाँ पर ए पावर माइनस एक्स प्लस ए पावर एक्स अपॉन टू। टर्म जो है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है वह टर्म से मिलता जुलता है, इसलिए यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आता है। तो जब यह कंडीशन सेटिस्फाई होता है, यह कंडीशन है इवन फंक्शन का, इसलिए दिया गया फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स प्लस ए पावर माइनस एक्स अपॉन टू यह इवन फंक्शन है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर
देन शो दैट द फंक्शन इज ऑड। अभी यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो सिंपली आपको यहाँ पर x की वैल्यू को रिप्लेस करनी है माइनस x से। जब भी आप रिप्लेस करते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है एफ ऑफ माइनस x इज इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस x प्लस रूट ऑफ वन प्लस माइनस x स्क्वायर। अभी इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में मिलता है लॉग ऑफ माइनस x प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस x स्क्वायर, यानी कि माइनस x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाता है। अभी यहाँ पर आप लॉग के अंदर देखेंगे आपके पास टर्म है रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अभी आपको यह टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है तभी आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस फंक्शन को। जब भी आप यह मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो आपको राइट हैंड साइड में टर्म मिलता है लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आपके डिनोमिनेटर में आपको मिलता है रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पर फॉर्मूलाज यूज़ किया गया है न्यूमरेटर में, जैसा कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी आप ध्यान से टर्म देखेंगे तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वह भी इसी टर्म से मिलता जुलता है, इसलिए यहाँ पर यह फॉर्मूला यूज़ किया गया है। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में मिलेगा लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिनोमीटर में आपको मिलता है अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो लॉग ऑफ वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मिलता है। यहाँ पे लॉग का एक फॉर्मूला यूज़ किया है लॉग ऑफ वन अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ ए, तो इसी वजह से यहाँ पर यह टर्म जो है निगेटिव में हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यह टर्म आप देखेंगे राइट हैंड साइड में जो है यह एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, तो इसी वजह से यहाँ पर आपको मिलता है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो यह कंडीशन जो है ये ऑड फंक्शन का कंडीशन है, इसी वजह से यहाँ पर आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, यह ऑड फंक्शन है। पांचवा क्वेश्चन है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव माइनस थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स, देन शो दैट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू टू ऑफ एफ ऑफ एक्स। यह बोर्ड में 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। यह भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है और आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप। तो इसके लिए आपको सबसे पहले x को रिप्लेस करना है माइनस x से जस्ट टू गेट एफ ऑफ माइनस x। जब भी आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तब आपको यहाँ पर मिलता है एफ ऑफ माइनस x इज इक्वल टू थ्री इंटू माइनस एक्स पावर फोर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव माइनस थ्री कॉस ऑफ माइनस एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर माइनस एक्स। अभी आपने जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कॉस ऑफ माइनस एक्स की वैल्यूज कॉस एक्स होती है, तो इसी वजह से यहाँ पर आपका राइट हैंड साइड हो जाता है यहाँ पर थ्री ऑफ एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव माइनस थ्री कॉस एक्स प्लस टू इंटू साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक टर्म को आपको ध्यान देना है, जो साइन स्क्वायर माइनस एक्स है इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, इस वजह से आपको राइट हैंड साइड में मिलता है थ्री एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव माइनस थ्री ऑफ साइन एक्स प्लस टू इंटू माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलता है थ्री एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव माइनस थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स, यह आपका इक्वेशन नंबर टू है। अभी आपके पास दो वैल्यूज़ मिल गई है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू और एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू। अभी आपको क्वेश्चन के अनुसार यह दोनों को ऐड करना होगा और देखते हैं कि इसकी वैल्यूज़ टू एफ ऑफ एक्स कैसे आती है। तो अभी ये दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे एफ ऑफ एक्स को और एफ ऑफ माइनस एक्स को, तो आपको राइट हैंड साइड में मिलता है थ्री एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव माइनस थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव माइनस थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स। जब भी आप सिमिलर टर्म्स को ऐड करेंगे तो आपको मिलता है सिक्स एक्स पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस
10 माइनस 6 कॉस एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर ये जो 2 है ये कॉमन है, तो हम इसको बाहर निकालेंगे 2 को, तो आपका 2 बाहर निकल जाएगा और ब्रैकेट में आपको मिलता है 3x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 कॉस एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये वैल्यूज़ एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ है, तो इस वजह से हम वैल्यूज़ को एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन प्रूव हो जाता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 एफ ऑफ एक्स। छठा क्वेश्चन है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, देन शो दैट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये अभी सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज आपको दी गई है ऑलरेडी कि एक्स क्यूब माइनस 5x इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है। अभी यहाँ पर आपको एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है और इन दोनों को ऐड करके आपको वैल्यूज़ क्या आती है वो देखना है। तो सबसे पहले स्टेप है, यहाँ पर आपको x को रिप्लेस करना होगा माइनस एक्स से, तब आपको मिलता है यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ माइनस एक्स। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कि कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है और साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है। जब भी आप यह वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूलाज को, तब आपको फंक्शन मिलता है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 5x इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो यह आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाता है। जब भी आप एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स को ऐड करते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है राइट हैंड साइड में एक्स क्यूब माइनस 5x इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस माइनस एक्स क्यूब प्लस 5x इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे कि सब टर्म्स जो है सिमिलर है, इनका साइन डिफरेंट है, इसी वजह से यह टर्म्स सारे कैंसिल हो जाते हैं और आपको राइट हैंड साइड में 0 मिलता है। तो यानी कि आपका यह क्वेश्चन प्रूव हो जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। सातवां क्वेश्चन है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बेस 6 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 पावर 3x, देन फाइंड एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एक्स, ये दोनों की वैल्यूज निकालनी है। जैसा कि हमने टाइप ऑफ फंक्शंस में पढ़ा था, यह कंपोजिट फंक्शंस है, तो हमें यहाँ पर कंपोजिट फंक्शंस का जो एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था वो हमें यूज़ करना होगा यहाँ पर। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें जो जो दिया है हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बेस 6 और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 पावर 3x। कंपोजिट फंक्शन के अनुसार एफ ऑफ जी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स, तो इस वजह से हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे x को जी एक्स के दिए गए रिलेशन में। जब भी हम रिप्लेस करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ जी एक्स बेस 6। हमें यहाँ पर जी एक्स की वैल्यूज़ ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है 6 पावर 3x का, तो यह वैल्यूज़ हम सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पर, तो हमें मिलेगा यहाँ पर एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 6 पावर 3x बेस 6। तो हमें यहाँ पर लॉग का एक फॉर्मूला यूज़ करना है, जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में भी देखे थे लॉग ऑफ m पावर n बेस a। तो यहाँ पर जो पावर है वो आपका लॉग में प्रीफिक्स में आ जाता है, इसी वजह से यहाँ पर जो 3x है वो प्रीफिक्स में आ जाएगा लॉग के पहले, यानी कि 3x इंटू लॉग ऑफ 6 बेस 6। तो जैसा कि हमें यहाँ पर वापस लॉग का एक फॉर्मूला यूज़ करना है लॉग ऑफ a बेस a। जब भी आपका लॉग और बेस सेम होता है तभी इसकी वैल्यूज 1 आ जाती है, तो इसी वजह से आपका राइट हैंड साइड जो लॉग है उसका वैल्यूज 1 हो जाएगा और आपको फाइनली मिलता है 3x। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अभी आप दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, जी ऑफ एक्स की वैल्यूज निकालनी है, तो कंपोजिट फंक्शन के अनुसार यहाँ पर जी ऑफ एक्स को आप लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स। तो सेम वे यहाँ पर आपको एक्स को रिप्लेस करना है एफ एक्स से। जब भी आप रिप्लेस करते हैं तो आपको मिलता है जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 6 पावर 3 इंटू एफ एक्स।
यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यूज आपको ऑलरेडी दी गई है, तो आप जब वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है 6 power 3 इंट लॉग ऑफ एक्स बेस 6। यहाँ पे हम लॉग का फॉर्मूला उल्टा करेंगे, यानी कि आपका जो प्रीफिक्स है वो लॉग के पावर के टर्म में आ जाएगा, तो इसी वजह से यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में मिलता है 6 power log of x power cube base 6। तो यहाँ पर हमें एक लॉग का और एक फॉर्मूला यूज करना है कि a पावर log ऑफ p बेस a, तो इस वजह से इसकी वैल्यूज आपको p मिलती है। तो जैसा कि आप यह टर्म को कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में मिल जाएगा एक्स क्यूब, तो यह इस टर्म का आंसर है। तो यानी कि आपको दो आंसर्स मिलते हैं, एफ ऑफ जी एक्स इजिकल टू 3x और जी ऑफ एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमें लॉग के फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलाज और इंडाइसेस के फॉर्मूलाज, ये तीनों पूरे बाय हार्ट होने चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 + x अपॉन 1 - x, देन प्रूव दैट एफ ऑफ 2x अपॉन 1 + x² इज इक्वल टू 2 × f(x)। यह बोर्ड में 2010 में पूछा गया था। यह भी सिमिलर क्वेश्चन है पहले के जैसे, जैसा कि हमें यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का वैल्यूज दिया है और क्वेश्चन में पूछा है एफ ऑफ 2x अपॉन 1 + x². सो इसी वजह से हमें यहाँ पर एक्स को रिप्लेस करना होगा 2x अपॉन 1 + x² से। जब भी हम रिप्लेस करते हैं तो हमें यहाँ पर टर्म्स मिलता है एफ ऑफ 2x अपॉन 1 + x² इज इक्वल टू लॉग ऑफ, न्यूमरेटर यहाँ पर 1 + 2x अपॉन 1 + x² होगा और डिनोमिनेटर में यहाँ पर आपका 1 - 2x अपॉन 1 + x² होगा। जब भी आप यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो आपको यहाँ पर लॉग का टर्म मिलता है 1 + x² + 2x अपॉन 1 + x² - 2x। जैसा कि आपने इंडाइसिस में पढ़ा था, यहाँ पर फॉर्मूलाज एक यूज़ करेंगे, a अपॉन b न्यूमरेटर में है और अगर आपका डिनोमिनेटर में c अपॉन d है तो यह आपका हो जाता है a d अपॉन c b। सो इसी वजह से यह दोनों का टर्म कैंसिल हो जाएगा 1 + x² जो कॉमन टर्म है, और आपको यहाँ पर मिलता है log ऑफ 1 + x² + 2x अपॉन 1 + x² - 2x। अभी आप ये टर्म्स को ध्यान से देखेंगे तो यह a + b² और a - b² के टर्म में दिख रहा है, इस वजह से यह टर्म चेंज हो जाता है आपका और आपको मिलता है log ऑफ 1 + x² अपॉन 1 - x². जैसे कि हमने log के फॉर्मूलाज में पढ़े थे log ऑफ m पावर a अपॉन n पावर a, अभी यह दोनों का पावर सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ m अपॉन n कॉमन पावर a। तो सेम वे यहाँ पर कॉमन पावर आपका स्क्वायर हो जाएगा, लॉग के और एक फॉर्मूला के अनुसार यह पावर प्रीफिक्स में आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर मिल जाता है 2 × log of 1 + x अपॉन 1 - x 1 + x। तो यहाँ पर आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 + x अपॉन 1 - x होता है, इस वजह से आपका राइट हैंड साइड आपको मिलता है 2 × f(x), यानी कि आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाता है एफ ऑफ 2x अपॉन 1 + x² इज इक्वल टू 2 × f(x)। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतने ही एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए हैं, आगे के वीडियो में हम और भी एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी मैथ्स के ट्यूटोरियल्स फ्री में मिल सकें। तो अगर आप कोई भी सजेशंस देना चाहते हैं इस वीडियो सीरीज़ को लेकर के, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मैथ्स से रिलेटेड और भी ट्यूटोरियल्स और बाकी के सब्जेक्ट्स के ट्यूटोरियल्स भी मिल सकें। धन्यवाद।